हेलो फ्रेंड्स, क्लासिक कुकिंग विद प्रतिभा में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और हेल्दी होंगे। आज मैं सोन पापड़ी बनाने वाली हूँ, मेरा फेवरेट है। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच घी लिया है, ये मैदा है 1 कप और बेसन है आधा कप। इसी से हम मेजर करेंगे सभी को। इलायची पाउडर है 1/2 चम्मच। अब हम इसे लो फ्लेम में इसे रोस्ट करेंगे। इसे लो फ्लेम पे ही करना है, सभी प्रोसेस इसमें लो फ्लेम में ही होगा। तो लो फ्लेम में हम इसे अच्छे से भून लेंगे। इसे रोस्ट करने में हमें लगभग 12 से 15 मिनट लग गए थे। इससे अच्छे से खुशबू आ रही है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक छन्नी में। अब हम इसे छान लेंगे इस प्रकार, चम्मच से इस प्रकार कर लीजिएगा या फिर हाथों से ही कर लीजिएगा, हाथों से बहुत अच्छे से हो जाता है। तो देखिए मैं हाथ से कर रही हूँ, ये बहुत जल्दी हो जाता है हाथ से, चम्मच से तो देर लगता है। इसे इसी प्रकार हम छान लेंगे सभी को। ये देखिए सोन पापड़ी को जब आप घर में ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जब बनता है तब तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम खुशी महसूस होती है। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 कप चीनी लिया है और 1/4 कप पानी लिया है। ये देखिए 1/4 लिया है मैंने। इसे हम लो फ्लेम पे इसे भी हम करेंगे पकाएंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे 1 चम्मच के करीब, ये 1 छोटा चम्मच है, इसको भी डाल देंगे जिससे कि क्रिस्टल नहीं बनता है। अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो इसे लो फ्लेम पे ही करिएगा, इसको चलाना वलाना नहीं रहता है जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। अच्छा से देखिए कलर आने लग गया है हमारा चाशनी में, तो इस प्रकार का गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। फिर हम चेक कर लेते हैं इसको। ये देखिए इस प्रकार कैंडी बन रही है। अब हम गैस का फ्लेम को बंद कर देंगे इस स्टेज पे। इसे 1-2 मिनट के लिए इसी में रहने देंगे, उसके बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने बटर पेपर के ऊपर घी लगा रखा है, ये देखिए इसी में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो धीरे से करिएगा, बहुत गर्म रहता है ये। अभी थोड़ा हिलाएंगे ना तो ये इधर उधर होगा, थोड़ी देर इसको भी रहने देना है। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखिए ये अब नहीं हिल रहा है, थोड़ा बहुत हिल रहा है ना के बराबर। अब हम इसे इस पे वर्क करेंगे। तो इस प्रकार करना है हमें, बटर पेपर हो ना तो उससे बहुत अच्छा बन जाता है। अब हो तो बटर पेपर से ही अवश्य करिएगा, वरना ऐसी प्लेट प्लेट में करने से तो चिपक जाता है। तो आप बटर पेपर यूज़ कर लीजिएगा। तो जब तक हमारा हाथ से छूने लायक नहीं हो जाता तब तक हम इसी प्रकार करेंगे। ये देखिए तो इसी प्रकार हम इसे इस प्रकार करते रहेंगे। देखिए थोड़ा जमने लग गया है, ये देखिए अब सेपरेट हो रहा है, अलग हो जा रहा है। बेसन और मैदा को जब भूने ना तो लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूनेगा, कच्चापन नहीं रहना चाहिए उसमें, वरना आपका पूरा सोन पापड़ी बिगड़ जाएगा, कच्चा लगेगा। तो उसे लो फ्लेम पे ही करिएगा रोस्ट। ये देखिए अब हमारा हाथ से छूने लायक हो गया है, अभी भी बहुत गर्म है। देखिए इस प्रकार से मैं कर रही हूँ बटर पेपर के ऊपर ही। थोड़ी देर बाद हम इस प्रकार करेंगे हाथों से। देखिए अभी कितना डार्क है, फिर लाइट कलर का हो जाएगा। तो इसे इसी प्रकार 20 से 22 बार मैंने किया है। ये देखिए इस प्रकार करते रहेंगे जब तक थोड़ा कलर चेंज ना हो जाए इस प्रकार। ये देखिए लाइट कलर होने लग गया है। अब चाशनी मेरा 15 से 17 मिनट में बन के रेडी हो गया था, क्योंकि मैंने पानी बहुत ही कम डाला था, 1/4 कप ही डाला है मैंने पानी। अगर पानी की क्वांटिटी आप ज़्यादा रखेंगे तो थोड़ा देर लग सकता है आपको। अब हम दोनों सिरे को जोड़ देंगे और इस प्रकार से हम करते जाएंगे। देखिए हाथों से इसके ऊपर छिड़कते जाएंगे और इस प्रकार से रोल बनाते जाएंगे। जब इस प्रकार बनते जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है।
आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसी प्रकार से धीरे धीरे हम इसको इस प्रकार बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमने मैदा को 1 कप लिया था और बेसन को आधा कप लिया है, दोनों मिलाकर ये 250 ग्राम के करीब रहा होगा। और चीनी भी हमने 250 ग्राम ही लिया है। तो इस प्रकार का मेजरमेंट रहता है कि जितना दोनों आटा रहता है ना, बेसन और मैदा, उतना ही चीनी भी लेना रहता है। तो इस प्रकार से हम करते जाएंगे। ये देखिए इसके परते बनते जा रही हैं अच्छे से। इसी प्रकार से हम इसको बनाते जाएंगे। इसमें ढेर सारी परतें बन जाएंगी। धीरे धीरे खींचना रहता है इसको, एकदम तेज मत खींचिएगा, प्रेशर दे करके धीरे धीरे इस प्रकार करते जाइएगा। इसी प्रकार से इसको करते जाना है जब तक ये है आटा को एब्जॉर्ब कर रहा, तब तक। इस दिवाली आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए, आपको बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसको ना इस प्रकार 8 के फॉर्म में रोल करते जाना है, ऐसे लंबा करने के बाद इस प्रकार घुमा करके 8 बनाते जाना है और इस प्रकार करते जाना है। ये देखिए डाल डाल के थोड़ा बड़ा होगा, फिर इसको हम रोल कर देंगे 8 करके। ये देखिए इसी प्रकार से बनाते जाना है खींच खींच के। ये देखिए ये बहुत अच्छे से बन जाता है। सोन पापड़ी जब बनाए ना तो पंखा वगैरह भी चालू मत करिएगा, इसे पेशेंस के साथ बनाना पड़ता है। ये देखिए सोन पापड़ी बनाने के लिए बहुत ही कम सामान की ज़रूरत पड़ती है, बहुत कम सामान में ये बहुत अच्छे से बन जाता है। घी भी देखा है आपने कितना कम लिया था मैंने, थोड़े से घी में बन जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम करते जाएंगे। देखिए कितना अच्छा लच्छा बन के रेडी हुआ है ये देखिए हमारा। अब हम इसे पहले वाले बटर पेपर में ट्रांसफ़र कर लेंगे, थोड़ा झाड़ के इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने बादाम और पिस्ता कट करके रखा है, इसे सबसे नीचे में रख देंगे। अब थोड़े से हम सोन पापड़ी लेंगे जो बनाया है लच्छा, उसको इस प्रकार से रोल कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार डाल देंगे और थोड़ा प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से। ये देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है हमारा सोन पापड़ी। देखिए मैं फिर से निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा जाली बना है। बादाम को मैंने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है बीच से और नीचे में रख देंगे, तो जिसे बहुत सुंदर दिखता है पिस्ता और बादाम। ये देखिए इस प्रकार हम डाल देंगे इस प्रकार रोल करके। इसी प्रकार से हम सभी को बना लेंगे। इसे बना बना के तुरंत पॉलीथीन में रैप करते जाइए या फिर एयर टाइट डब्बा में रखते जाइए। तो हमारा सोन पापड़ी बन के रेडी है, ये देखिए इसी प्रकार से हम सभी को बना लेंगे। ये सोन पापड़ी हमारी बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए कितने अच्छे लच्छे हैं इसके। ये जैसे ही बना है थोड़ी ही देर में फिनिश भी हो गया है, बहुत टेस्टी बन के रेडी हुआ था। तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।